हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। आपको एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड दी हुई है ए बी सी डी, जिसकी फेंसिंग की टोटल लेंथ है 120 मीटर। अब फेंसिंग का मतलब क्या है, यानी कि इसके चारों तरफ जो बाउंड्री लगाई गई है उसकी टोटल लेंथ 120 मीटर है, यानी कि इसका पैरीमीटर दिया हुआ है, पैरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 120 मीटर्स। ओके, नाउ इफ बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर्स, बी सी आपको 48 मीटर्स दिया हुआ है, सी डी आपको 17 मीटर्स दिया हुआ है और ए डी कितना गिवन है, 40 मीटर्स। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एंड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, जो ए डी और बी सी है ये पैरेलल साइड है और ए बी इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है और इनके बीच का डिस्टेंस जिसे हम एच से लिखते हैं, तो हमें यानी कि यही हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पैरीमीटर, हमने 120 लिख दिया। पैरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू 120 मीटर्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी हेयर, हमें एच हमने मान ली, प्लस बी सी 48 प्लस सी डी 17 मीटर्स प्लस डी ए 40 मीटर्स इज इक्वल टू 120, दैट इज एच प्लस, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इट विल बी 105 मीटर इज इक्वल टू 120। सो एच विल बी इक्वल टू 120 माइनस 105, दैट इज एच इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके, सो ए बी हमारे पास कितना आ गया, 15 मीटर। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच, सो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कितनी है, 48 प्लस 40 दी हुई है, इंटू एच इज 15, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 88 इंटू 15, 2 से 88 कैंसिल कर देते हैं, 44, सो इट विल बी 44 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड दी हुई है जिसकी डायगोनल की लेंथ आपको दी हुई है 24 मीटर। मान लेते हैं कि इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए सी आपको कितनी गिवन है, 24 मीटर, और इस ए सी के अलावा जो बाकी के दो वर्टिसेस बचते हैं वहाँ से दो आपके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं जिनकी हाइट क्या है, 8 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है। हमें इस क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं एरिया, एरिया ऑफ फील्ड, जब भी हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 इंटू डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल जिसको आप डी से भी लिख सकते हो, इंटू एच वन प्लस एच टू, कि उस डायगनल पर जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं उन दोनों की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एच वन ले लेते हैं और ये हो गया एच टू, ठीक है, दिस इज योर डायगनल, ठीक है।
तो हम जब भी हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना हो, तो हमें अगर एक डायगोनल गिवन है तो हम उस डायगोनल की लेंथ लिखते हैं और उस डायगोनल पर बाकी के दो वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं उनकी लेंथ को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 1/2 इंटू डायगोनल की लेंथ है 24 इंटू H1 इज 13 प्लस H2 इज 8, ओके 12 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 13 प्लस 8 दैट इज 21 विच इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। लेट अस कंसीडर दिस इज अ रोम्बस ए बी सी डी, इसके नेमिंग कर देते हैं। इसके डायगोनल्स की लेंथ आपको दी हुई है 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। लेट अस टेक दिस डायगोनल एज 7.5 सेंटीमीटर एंड दिस वन एज 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, हाफ इंटू डी 1 इंटू डी 2। सो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12, 2 6 आर 12, सो इट विल बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय स्टूडेंट्स।